पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम मोक्ष धर्म पर्व 218वां अध्याय। राजा जनक के दरबार में पंच शिख का आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतों के निराकरण पूर्वक शरीर से भिन्न आत्मा के नित्य सत्ता का प्रतिपादन। उन्होंने कहा, जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है, जो कर्मों के फल का उदय होने पर प्राप्त होता है, वो इहलोक या परलोक का भोग नश्वर है। उस पर आस्था करना उचित नहीं, वो मोह रूप, चंचल और अस्थिर है। कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देह रूपी आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, संपूर्ण लोक इसका साक्षी है। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है तो वो परास्त है, क्योंकि उसका कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। आत्मा के स्वरूप भूत शरीर का अभाव होना ही उसकी मृत्यु है। इस दृष्टि से दुख, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के रोग, ये सभी आत्मा की मृत्यु ही हैं। फिर भी जो लोग आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं, उनकी ये मान्यता बहुत ही असंगत है। यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए जो लोक में संभव नहीं है, अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार कर लिया जाए कि शरीर से भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है जो स्वर्गादि लोकों में दिव्य सुख भोगता है, तब तो बंदी जन जो राजा को अजर अमर कहते हैं, उनकी वो बात ठीक भी माननी पड़ेगी। यदि आत्मा है या नहीं, ये संशय उपस्थित होने पर अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए, तो इसके लिए कोई ऐसा व्यापक हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं दोषयुक्त ना होता हो। फिर किस अनुमान का आश्रय लेकर लोक व्यवहार का निश्चय किया जा सकता है? अनुमान और आगम, इन दोनों प्रमाणों का मूल प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध हैं, तो वो कुछ भी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता नहीं स्वीकार की जा सकती। जहां कहीं भी ईश्वर, अदृष्ट अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए अनुमान किया जाता है, वहां साध्य साधन के लिए की हुई भावना भी व्यर्थ है। अतः नास्तिकों के मत में जीवात्मा के शरीर से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, ये बात स्थिर हुई। जैसे वट वृक्ष के बीच में पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा त्वचा आदि छिपे होते हैं, जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में से घी, दूध आदि प्रकट होते हैं, तथा जिस प्रकार अनेक औषध द्रव्यों का पाक एवं अधिवासन करने से उसमें नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार वीर्य से ही शरीर आदि के साथ चेतनता भी प्रकट होती है। इसके सिवा जाति, स्मृति, अयस्कांत मणि, सूर्यकांत मणि और बड़वानल के द्वारा समुद्र के जल का पान आदि दृष्टांतों से भी देहातिरिक्त चैतन्य की सिद्धि नहीं होती। मरे हुए शरीर में जो चेतना का अभाव देखा जाता है, वही देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। नास्तिक भी रोग आदि की निवृत्ति के लिए मंत्र, जप तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं। यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए, तब तो उसके किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा। फिर तो उसके शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा और देह की उत्पत्ति में अकृताभ्यागम मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्मा की सत्ता अवश्य है। नास्तिकों की ओर से जो कोई हेतुभूत दृष्टांत दिए गए हैं, वो सब मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़ पदार्थ से, मूर्त जड़ पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है, यही उन दृष्टांतों द्वारा सिद्ध होता है। जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति, ठीक उसी प्रकार आत्मा अमूर्त पदार्थ है और देह मूर्त। अतः अमूर्त की मूर्त के साथ समानता अथवा मूर्त भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग अविद्या, कर्म,
तृष्णा, लोभ, मोह तथा दोषों के सेवन को पुनर्जन्म में कारण बताते हैं। अविद्या को वो क्षेत्र कहते हैं। पूर्व जन्मों का किया हुआ कर्म बीज है और तृष्णा अंकुर की उत्पत्ति कराने वाला स्नेह या जल है। यही उनके मत में पुनर्जन्म का प्रकार है। वो अविद्या आदि कारण समूह सुषुप्ति और प्रलय में भी संस्कार रूप में गूढ़ भाव में स्थित रहते हैं। उनके रहते हुए जब एक मरण धर्मा शरीर नष्ट हो जाता है, तब उसी से पूर्वोक्त अविद्या आदि के कारण दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है। जब ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि निमित्त दग्ध हो जाते हैं, तब शरीर के नाश के पश्चात सत्व का क्षय रूप मोक्ष होता है, ऐसा उनका कथन है। क्षणिक विज्ञानवादी की मान्यता के अनुसार शरीर और जीव जब क्षणिक हैं, तब पूर्व क्षणवर्ती शरीर से पर क्षणवर्ती शरीर रूप जाति धर्म और प्रयोजन सभी दृष्टियों से भिन्न हैं। ऐसी अवस्था में ये वही है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती, अथवा भोग मोक्ष आदि सब कुछ बिना इच्छा किए ही अकस्मात प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानना पड़ता है। यदि ऐसी ही बात है, तब दान विद्या तपस्या और बल से किसी को क्या प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसका किया हुआ सारा कर्म दूसरों को ही अपना फल प्रदान करेगा। इस जगत में ये देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त आदि दूसरों के लिए किए हुए अशुभ कर्मों से दुखी एवं परकृत शुभ कर्मों से सुखी हो सकता है। उस दशा में दृश्य और अदृश्य का निर्णय भी यही होगा कि जो पूर्व क्षण में दृश्य था वो वर्तमान क्षण में अदृश्य हो गया, तथा जो पहले अदृश्य था वही इस समय दृश्य हो रहा है। यदि कहें देवदत्त के ज्ञान से यज्ञदत्त का ज्ञान पृथक एवं विजातीय है, सजातीय विचारधारा में ही कर्म और उसके फल का भोग प्रदान होता है, अतः देवदत्त के किए हुए कर्म का भोग यज्ञदत्त को प्राप्त नहीं हो सकता, उस कारण पूर्वोक्त दोष की आपत्ति संभव नहीं है, तब हम ये पूछते हैं कि आपके मत में जो ये सादृश्य या सजातीय विज्ञान उत्पन्न होता है, उसका उपादान क्या है? यदि पूर्व क्षणवर्ती विज्ञान को ही उपादान बताया जाए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान नष्ट हो चुका है, और यदि पूर्व क्षणवर्ती विज्ञान का नाश ही उत्तर क्षणवर्ती सजातीय विज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, तब तो यदि कुछ लोग किसी के शरीर को मूसलों से मार डालें, तो उस मरे हुए शरीर से भी दूसरे शरीर की पुनः उत्पत्ति हो सकती है। ऋतु संवत्सर, युग, सर्दी गर्मी तथा प्रिय और अप्रिय, ये सब वस्तुएं आकर चली जाती हैं और जाकर फिर आ जाती हैं। ये सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। उसी प्रकार सत्व संक्षय रूप मोक्ष भी आकर निवृत्त हो जाता है। जैसे मकान के दुर्बल दुर्बल अंग पहले नष्ट होने लगते हैं और फिर क्रमशः सारा मकान ही गिर जाता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था और विनाशकारी मृत्यु से आक्रांत हुए शरीर के दुर्बल दुर्बल अंग क्षीण होते होते एक दिन संपूर्ण शरीर का नाश हो जाता है। इंद्रिय मन प्राण रक्त मांस और हड्डी, ये सब क्रमशः नष्ट होते और अपने कारण में मिल जाते हैं। यदि आत्मा की सत्ता न मानी जाए तो लोक यात्रा का निर्वाह नहीं होगा। दान और दूसरे धर्मों के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक शब्द और लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए हैं। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं, और उन तर्कों तथा युक्तियों से आत्मा की सत्ता या असत्ता का निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। इस तरह विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाले लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वहीं वृक्ष के भांति जड़ जमाए जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं, केवल शास्त्र के वचन ही उन्हें खींचकर राह पर लाते हैं,
ठीक उसी तरह जैसे महावत हाथी पर अंकुश रखकर उसे काबू में किए रहते हैं। बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हों, किंतु इस लिप्सा में उन्हें भारी से भारी दुखों का ही सामना करना पड़ता है और अंत में वो भोगों को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं। ऐसे अनित्य शरीर को पाकर इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है? ये सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षण भर में वैराग्य पूर्वक त्याग कर चल देता है, उसे मृत्यु के पश्चात फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है, ऐसे शरीर से सुख कहाँ है? पंचशिख का ये उपदेश, जो भ्रम और वंचना से रहित सर्वथा निर्दोष तथा आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला था, सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। अतः उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पंचशिख के उपदेश के प्रसंग में पाखंड खंडन नामक 218वां अध्याय पूरा हुआ। 219वां अध्याय, पंचशिख के द्वारा मोक्ष तत्व का विवेचन एवं भगवान विष्णु द्वारा मिथिला नरेश जनक वंशी जनदेव की परीक्षा और उनके लिए वर प्रदान। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महर्षि पंचशिख के इस प्रकार उपदेश देने पर जनदेव जनक ने पुनः उनसे मृत्यु के पश्चात आत्मा की सत्ता या विनाश के विषय में प्रश्न किया। जनक ने पूछा, भगवन, यदि मृत्यु के पश्चात किसी को कोई विशेष संज्ञा नहीं रह जाती तो उस स्थिति में अज्ञान अथवा ज्ञान क्या करेगा? हे द्विज श्रेष्ठ, देखिए, मनुष्य की मृत्यु के साथ साथ उसका सारा साधन नष्ट हो जाता है। फिर वो पहले से सावधान हो या असावधान, क्या विशेष लाभ उठा सकेगा? मृत्यु होने के पश्चात जीवात्मा का विनाशशील पंच महाभूतों से कोई संसर्ग रहता है या नहीं? यदि रहता है तो किस लिए रहता है? इस विषय में यथार्थ रूप से क्या निश्चय किया जा सकता है? भीष्म जी कहते हैं, राजन, राजा जनक की बुद्धि को अज्ञानांधकार से आच्छादित तथा आत्मा के नाश की संभावना से भ्रांत एवं व्याकुल जानकर ज्ञानी महात्मा पंचशिख उन्हें मधुर वचनों द्वारा शांत करते हुए बोले, राजन, मृत्यु के पश्चात आत्मा का ना तो नाश होता है और ना वो किसी विशेष आकार में ही परिणित होती है। ये जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है, ये भी शरीर, इंद्रिय और मन का समूह मात्र है। यद्यपि ये सब पृथक पृथक हैं, तो भी एक दूसरे का आश्रय लेकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच धातु हैं। ये स्वभाव से ही एकत्र होते और विलग हो जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांच तत्वों के समाहार से ही अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण हुआ है। शरीर में ज्ञान, ऊष्मा तथा वायु, इनका समुदाय समस्त कर्मों का संग्राहक गण है, क्योंकि इन्हीं से इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान, विकार और धातु प्रकट हुए हैं। श्रवण, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और नासिका, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द आदि गुण चित्त से संयुक्त होकर इन इंद्रियों के विषय होते हैं। विज्ञान युक्त चेतना निश्चय ही तीन प्रकार की होती है। उसे अदुखा, असुखा और सुख दुखा कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा मूर्त द्रव्य, ये छह गुण जीव की मृत्यु के पहले तक इंद्रिय जन्य ज्ञान के साधक होते हैं।
श्रोत्र आदि इंद्रियों में उनके विषयों का विसर्जन करने से संपूर्ण तत्वों के यथार्थ निश्चय रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस तत्व निश्चय को अत्यंत निर्मल उत्तम ज्ञान और अविनाशी महान ब्रह्म पद कहते हैं। जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अनंत दुखों की प्राप्ति होती है और उनकी परंपरा कभी शांत नहीं रहती। इसके विपरीत जिनकी दृष्टि में ये दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी इसके प्रति न ममता होती है न अहंता, फिर उन्हें दुख परंपरा कैसे प्राप्त हो? उन दुखों के लिए आधार ही क्या रह जाता है? अब मैं उस परम उत्तम सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूं जिसका नाम है सम्यग्वत। उसमें त्याग की प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो, उसका उपदेश तुम्हारे लिए मोक्षदायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सब को चाहिए कि संपूर्ण कर्मों में अहंता ममता आसक्ति और कामना का त्याग करें। जो इनका त्याग किए बिना ही विनीत होने का झूठा दावा करते हैं, उन्हें अविद्या आदि दुखदायी क्लेश प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्याग देने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की चरम सीमा है। सर्वस्व त्याग का ये एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसके विपरीत आचरण करने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। बुद्धि में स्थित मन सहित पांच ज्ञानेंद्रियों का वर्णन करके अब पांच कर्मेंद्रियों का वर्णन करूंगा, जिनके साथ प्राण शक्ति छठी बताई गई है। दोनों हाथों को काम करने वाली इंद्रिय जानना चाहिए। दोनों पैर चलने फिरने का काम करने वाली इंद्रिय हैं। लिंग संतानोत्पादन एवं मैथुन जनित आनंद की प्राप्ति के लिए है। गुद नामक इंद्रिय का कार्य मल त्याग करना है। वाक इंद्रिय शब्द विशेष का उच्चारण करने के लिए है। इस प्रकार पांच कर्मेंद्रियों को पांच विषयों से युक्त माना गया है। मन सहित एकादश इंद्रियों के विषयों का बुद्धि के द्वारा शीघ्र त्याग कर देना चाहिए। श्रवण काल में श्रोत्र रूपी इंद्रिय, शब्द रूपी विषय और चित्त रूपी कर्ता, इन तीनों का संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श रूप रस तथा गंध के अनुभव काल में भी इंद्रिय विषय एवं मन का संयोग अपेक्षित है। इस प्रकार ये तीन तीन के पांच समुदाय हैं। ये सब गुण कहे गए हैं। इनसे शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है, जिससे ये कर्ता कर्म और करण रूपी त्रिविध भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक एक के सात्विक राजस और तामस तीन तीन भेद होते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले अनुभव भी तीन प्रकार के ही हैं, जो हर्ष प्रीति आदि सभी भावों के साधक हैं। हर्ष प्रीति आनंद सुख और चित्त की शांति, ये सब भाव बिना किसी कारण के स्वतः हों या कारणवश सात्विक गुण माने गए हैं। असंतोष संताप शोक लोभ और असहनशीलता, ये किसी कारण से हो या अकारण रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक मोह प्रमाद स्वप्न और आलस्य, ये किसी तरह भी क्यों ना हो तमोगुण के ही विविध रूप हैं। इनमें जो शरीर या मन में प्रीति के संयोग से उदित हो वो सात्विक भाव है और उसको सत्व गुण की वृद्धि जाननी चाहिए। जो अपने लिए असंतोषजनक एवं अप्रीतिकर हो उसको रजोगुण की प्रवृत्ति एवं अभिवृद्धि समझनी चाहिए। शरीर या मन में जो अतर्क्य अज्ञेय एवं मोह संयुक्त भाव प्रादुर्भूत हो उसको तमोगुण जनित जानना चाहिए। शब्द का आधार श्रोत्रेंद्रिय है और श्रोत्रेंद्रिय का आधार आकाश है, अतः वो आकाश रूप ही है। ऐसे स्थिति में शब्द का अनुभव करते समय आकाश और श्रोत्र, ये दोनों ही ज्ञान अथवा ज्ञान के विषय नहीं होते हैं। इसी प्रकार त्वचा नेत्र जिह्वा और नासिका भी क्रमशः स्पर्श रूप
रस और गंध के आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप हैं। इन सब का कारण मन है, इसलिए ये सब के सब मन स्वरूप हैं। इन दसों इंद्रियों में अपने अपने विषयों को एक साथ भी ग्रहण करने की शक्ति होती है। ग्यारहवां मन और बारहवीं बुद्धि, इनको इंद्रियों का सहायक समझना चाहिए। तमोगुण जनित सुषुप्ति काल में अपने कारण में विलीन हो जाने से इंद्रियां विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती, किंतु उनका नाश नहीं होता। उनमें जो अपने विषयों को एक साथ ग्रहण करने की शक्ति है, वो लौकिक व्यवहार में ही दिखाई देती है। पहले जागृत अवस्था के देखने सुनने आदि के द्वारा पूर्व वासनावश शब्द आदि विषयों की प्राप्ति होने से स्वप्नदर्शी पुरुष सूक्ष्म ग्यारह इंद्रियों को देखकर विषय संग की भावना करता हुआ सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त हो शरीर के भीतर ही इच्छानुसार घूमता रहता है। सुषुप्ति काल में जब चित्त तमोगुण से अभिभूत होकर अपने प्रवृत्ति और प्रकाश स्वभाव का शीघ्र ही संहार करके थोड़ी देर के लिए इंद्रियों के व्यापार को बंद कर देता है, उस समय शरीर में जो सुख की प्रतीति होती है उसे विद्वान पुरुष तामस सुख कहते हैं। सुषुप्ति काल में स्वप्नदर्शी पुरुष उपस्थित दुख को प्रत्यक्ष के भांति अनुभव नहीं करता है, इसलिए वो सुषुप्ति काल में भी तमोगुण युक्त मिथ्या सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार अपने कर्म के अनुसार गुण की प्राप्ति के विषय में कहा गया है, अज्ञानियों के ये गुण सम्यक रूपेण प्रवृत्त होते हैं और ज्ञानियों के निवृत्त हो जाते हैं। अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान इस शरीर और इंद्रियों के संघात को क्षेत्र कहते हैं और मन में जो चेतन सत्ता स्थित है वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ऐसी अवस्था में आत्मा का विनाश कैसे हो सकता है? अथवा हेतु पूर्वक प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त पंच महाभूतों से उसका शाश्वत संसर्ग भी कैसे रह सकता है? जैसे नद और नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम और व्यक्तित्व को त्याग देती हैं तथा जैसे बड़े बड़े नद छोटी छोटी नदियों को अपने में विलीन कर लेते हैं। यथार्थ मोक्ष।